हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्लास टेंथ का टॉपिक है हमारा ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उसके पास दूसरी कॉइल होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट या जिसे हम बोलते हैं यहां पर इंड्यूस्ड करंट बोल दो या ईएमएफ बोल दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके बारे में जो बताया गया था सबसे पहले वो एक जीनियस साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ने इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और बताया था, और उसी की थ्योरी के बेस के ऊपर ही आज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर। ठीक है, देखिए क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए क्वाइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल। अब यहां पर एक बात नहीं आई आपके लिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है क्वाइल के अंदर तो दूसरे क्वाइल के अंदर करंट डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास की गई है नॉर्मली, जैसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर ये एरिया हो गया, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की गई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को हम जैसे पता है आपको बी से लिखते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसको फाई से लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फाई। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, पता लग जाएगा ना कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया नॉर्मली, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हम चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया था, प्रैक्टिकली बताया गया था कि कैसे जो है वो करंट डेवलप होता है। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में, तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा देंगे तो उसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा, और ये प्रोसीजर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर करके देखा। जैसे पहले उसके बाद मन में जो बात आई वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या चाहिए कि कोई बैटरी हो गई या कोई सेल हो गया या यूं कहें कि कोई केमिकल वगैरह, जैसे ये चाहिए हमने, और तब हम इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करवा देते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे कोई खिलौना गाड़ी हो गई, ठीक है, रिमोट वाली कार जैसे होती है, या और कोई होती है छोटे मोटे टॉर्च वगैरह हो गई, तो उसमें हम बैटरी यूज करते हैं, कोई सेल यूज करते हैं। अगर उसी को हमने बहुत बड़े लेवल के ऊपर करना चाहें तो हमें बहुत सारा केमिकल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने ऑब्जर्व किया कि भी हम विदाउट केमिकल विदाउट बैटरी के हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं क्या, वो कैसे, हम इसका उल्टा प्रोसीजर करके देख सकते हैं, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए। तो उसने इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखा, उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करवा के देखा, और उसके लिए क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरत रही, उसने एक लिया गैल्वेनोमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है,
विच डिटेक्टिंग स्मॉल करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, विच डिटेक्ट ए स्मॉल करंट, जो कि बहुत थोड़े करंट को डिटेक्ट कर सकता है। गैल्वेनोमीटर जो है कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका जो पॉइंटर होता है यहां पर जीरो होता है, ठीक है, यहां जी लिखा होता है गैल्वेनोमीटर, और ये जो पॉइंटर है ये दोनों साइड में डिफ्लेक्शन शो करता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, अगर सर्किट के अंदर थोड़ा सा भी करंट डेवलप हुआ तो गैल्वेनोमीटर अपनी प्रेजेंस शो कर देगा, वहां पर बता देगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। एक डिवाइस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, हम करंट को मेजर करते हैं इसके द्वारा। तो जब इसको मेजर करते हैं, यानी करंट को एमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, तो यहां पर करंट को गैल्वेनोमीटर से क्यों, एक क्यों नई डिवाइस की जरूरत पड़ गई। तो देखिए बेटा, आपको बता दूं कि जो एमीटर होता है ये लार्ज करंट के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। स्मॉल करंट अगर आएगा, एमीटर जो है ये सिर्फ एक साइड डिफ्लेक्शन देता है, इसी तरह से जैसे यहां पर ए लिखा होगा और इसका पॉइंटर यहां जीरो से इस प्रकार से 5 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे लिखा होगा, 100 एम्पियर इस प्रकार से, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड में वेरी करता है, ऐसे अपना डिफ्लेक्शन है वो एक ही साइड में देता है, ठीक है। तो ये होता है एमीटर, और इससे हम क्या करते हैं, लार्ज करंट मेजर करते हैं। अगर मान लो बहुत थोड़ा करंट आया तो हो सकता है ये डिफ्लेक्शन शो न करे, लेकिन अगर इसमें माइनर भी जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हो गया तो वो हम यूज कर सकते हैं। अब फिर यहां पर एक क्वेश्चन और हो गया कि अगर इससे हम थोड़ा करंट मेजर कर सकते हैं तो इससे हम ज्यादा भी कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए क्या, तो इसकी बात यह है कि अगर इस डिवाइस के अंदर ज्यादा करंट डेवलप हो गया तो इसकी जो पॉइंटर है ये पॉइंटर आउट ऑफ स्केल हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यानी ये बहुत ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, इसका पॉइंटर है वो टूट जाता है, बहुत ही स्मॉल करंट को ही डिटेक्ट कर पाता है, और ये लार्ज के लिए भी, ठीक है। तो दोनों का पता लग गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि एमीटर है उसमें हम कैसा करंट मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम कैसा मेजर कर सकते हैं। तो हमें एक तो गैल्वेनोमीटर चाहिए और एक सर्किट चाहिए, और उस सर्किट के अंदर एक मैग्नेट चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एक ये बल्ब लगा दिया यहां पर, ठीक है, चलो बल्ब भी रहने दो। एक बार हमने क्या कर दिया यहां पर, एक ये क्वाइल ले ली इस प्रकार से, ठीक है, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया ऐसे। ये जो क्वाइल हमने ली है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ली है, ठीक है, और हमने क्या किया, अब एक बार मैग्नेट ले ली, यानी यूं कहें कि जब फैराडे ने ऑब्जर्व किया तो फैराडे ने इस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसको एक क्वाइल के साथ अटैच किया और एक बार मैग्नेट ले ली, तो बार मैग्नेट के पास इस क्वाइल को इस प्रकार से लेके आया, ठीक है, ऐसे जैसे एक क्वाइल हो गई और एक बार मैग्नेट हो गई, उन दोनों को पास में ऐसे लेके आया। तो जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर क्या किया इसने, इसको हटा के देखा। जैसे यहां से इसको हटा के देखा तो यहां पर डिफ्लेक्शन शो हो गया, तो फिर उसके दिमाग में बात आई भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो हुआ है जब हम इस बार मैग्नेट को यहां से दूर लेके गए हैं। फिर उसने क्या किया, उसको एक बार और फिर ले गया इधर, तो फिर देखा तो यहां पर फिर डिफ्लेक्शन शो हो गया, और फिर उसने एक जगह पर छोड़ दिया तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। तो इस प्रकार उसने क्या करके देखा, इस मैग्नेट को बार बार ऐसे मूव करवा के देखा, जितनी बार वो मूव करवा रहा था उतनी बार ही गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। अब जितना नजदीक इस मैग्नेट को लेके आया
तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इनके बीच में, तो उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्शन शो हुआ। जैसे इस बार मैग्नेट को दूर लेके गए तो उतना ही कम डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं उसके साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब की बार जैसे ये बार मैग्नेट थी, इस बार मैग्नेट की जगह पर क्या किया उसने, एक क्वाइल को ही ले लिया। ऐसे ही दो क्वाइल ले ली, एक प्राइमरी क्वाइल ले ली और एक क्या ले ली, सेकेंडरी क्वाइल ले ली। और इस क्वाइल के अंदर एक की लगा दी ऐसे, और एक ले लिए और इसने यहां पर सेकेंडरी क्वाइल, और इस क्वाइल में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसे ही की को क्लोज किया तो यहां पर इस क्वाइल के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुआ, और फिर इसने एज इट इज छोड़ दिया तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया, जैसे इसने की को रिलीज किया यहां से हटाया, अगेन उसके बाद जो है डिफ्लेक्शन शो हुआ। कैसे डिफ्लेक्शन शो हुआ इसमें, अब यहां पर देखें ये दोनों जो हमारे पास क्वाइल है तो इसके अंदर हमने करंट प्रोड्यूस करवा दिया, और करंट प्रोड्यूस करवाने से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से जो सेकेंडरी क्वाइल है, ठीक है, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। यानी यू कहे हम कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही लिंक हुआ तो जो सेकेंडरी क्वाइल है उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गया। ठीक है, और इस वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। तो फिर अगेन इसने रिलीज किया, फिर क्लोज कर दिया, फिर रिलीज किया, फिर क्लोज कर दिया। यानी जब ये रिलीज कर रहा था और क्लोज कर रहा था, सिर्फ दो ही केस के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा था। ठीक है, और जब कंटिन्यू इसने क्लोज कर रखा था, यानी इसने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रखा था, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। ठीक है, यदि इस क्वाइल को जैसे मूव करवाता है तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से ही इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। इंड्यूस्ड करंट क्यों बोला, इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है किसी दूसरे के असर से वो करंट डेवलप होना, ठीक है, अपने आप जैसे डेवलप होना, तो उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड बोला जाता है। अब देखिए इसमें तो फैराडे ने क्या कहा इसमें कि भी जितना ज्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाएंगे उतना ज्यादा ही करंट डेवलप होगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा डेफिनेशन देखो एक बार, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन ए क्वाइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्वाइल। ठीक है, दूसरी क्वाइल के अंदर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसी वजह से ही उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।